आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है चैनल मल्टी न्यूज़ में। पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संस्थान, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए, कोई भी राज्य का व्यक्ति कैंडिडेट जो क्वालिफिकेशन रखता है उस पोस्ट के अगेंस्ट में वो अप्लाई कर सकता है। सिलसिलेवार तरीके से इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रिपरेशन के लिए भी जो है इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। चलिए, कौन कौन से पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की पोस्ट है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ट्यूटर इन स्पीच पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स फिजियोलॉजी, टेक्निकल असिस्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट कितनी है, 4 पोस्ट है। आगे चलते हैं भाई साहब। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 24 पोस्ट, फार्मासिस्ट 6 पोस्ट, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन 2 पोस्ट, सोनोग्राफर 1 पोस्ट, कार्डिक टेक्नीशियन 5 पोस्ट। आगे और डिटेल जानते हैं। हम सीधे मेडिकल लैब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज और मेडिकल बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री इन MLT ब्लड बैंकिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, 30 साल की आयु की व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC ST SC के लिए रिजर्वेशन कोटे का प्रावधान दिया गया है। अभी वैकेंसी कहाँ से की है, लास्ट डेट क्या होगी इसकी, तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च से जिपमर JIPMER कहते हैं, और ये भारत सरकार का संस्थान है। इसके द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। लास्ट डेट इसकी है 19/7 को स्टार्ट हो चुकी है, 19/8/2024 जो इसकी लास्ट डेट है भाई साहब। चलिए आगे और देखते हैं, फीस के बारे में जानते हैं, फीस कितनी होगी। एप्लीकेशन फीस वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा। प्रिपरेशन के लिए बुक्स का भी लिंक नीचे दे दिया जाएगा। इसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उसके लिए भी BSc MLT मांगा गया है, तो आप उस पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस के ऊपर चलते हैं, फीस कहीं दिया हुआ है वो भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एज रजिस्ट्रेशन जो दिया गया है वो तो है ही, मुझे लगता है कि फीस जो है ऑनलाइन फीस 1500 रुपया कुछ होगा इसमें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने का, और आप भी जो है प्रयास कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन में नीचे बुक्स दे देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई 2 मिनट बोल रहे थे, मीटिंग चल रही थी, 2 मिनट बोले नहीं कि रुकने के लिए, तो आप अब हो गया है। आपको रोकना पड़ेगा। हाँ बताइए। फीस की बात कर रहे थे, इसमें फीस जो है EWS के लिए या जनरल EWS के लिए 1500 रुपये का फीस है, OBC के लिए भी 1500 रुपये का फीस है, और SC ST के लिए 1200 रुपये का फीस ऑनलाइन फीस दिया गया है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। और ये आवेदन जो है आपने ऑनलाइन ही करना है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से आप कर सकते हैं। और इसमें PWD पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ को एग्जेम्प्टेड रखा गया है फीस से। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे बुक्स का लिंक दिया गया है, और इसमें जो है हम एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि परसेंटेज जो है किस तरीके से होगा। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें क्या प्रावधान है, कैसे कैसे जो है वो 50-50% का जो है वो लगाया गया कि 50% मार्क्स आने चाहिए। यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं हम आपको बता देते हैं, जो एलिजिबिलिटी परसेंटेज का है उसमें जनरल के लिए 50 है,
जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 45 है और एसटीएससी के लिए 40 है। मिनिमम एलिजिबिलिटी परसेंटेज इन स्किल टेस्ट होगा 50 50 50। तो आप तैयारी कीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।